हेलो दोस्तों, सरोज एकेडमी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं लेके आई हूँ बेसन और ये मेथी के एकदम ऐसी नई रेसिपी, चटकारे मार मार के खाएंगे और आपकी ये फेवरेट रेसिपी हो जाएगी। सर्दियों में आपको मजा आ जाएगा। तो फिर चलिए ये वीडियो फटाफट से शुरू कर लेते हैं। मेथी की एकदम नई रेसिपी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर मेथी ली है, ग्रीन वाली। आप दाना मेथी भी ले सकते हो, लेकिन सर्दियों में ये वाली मेथी आती है तो इसे ऐसे छोटी छोटी साइज में कट कर लेंगे और सारी अपन मेथी ऐसे कट कर लेंगे छोटी छोटी साइज में। लेकिन आपको अच्छे से वॉश करना है। मैंने कट करने से पहले भी इसे अच्छे तरीके से वॉश किया है क्योंकि इसमें मिट्टी कण वगैरह बहुत ज्यादा रहते हैं, इसलिए इसको वॉश करना है। और यहाँ पर मैंने ताजा फ्रेश दही लिया है और इसे अपन ऐसे फेंट लेंगे, बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। और ये देखिए, मैंने बिल्कुल भी लम्स नहीं है इसमें, बिल्कुल भी। मैंने पहले थोड़ी देर पहले ही फेंट लिया था इसे अच्छे तरीके से। बस आपको बताने के लिए मैंने ये प्रोसेस की है कि आपको ऐसे मत लेना है, चाहे आप मिक्सी में भी इसे फेंट सकते हो अगर हाथ से नहीं फेंटना चाहते हो। और अब इसमें अपन डालेंगे एक गिलास पानी। मैंने बेसन लिया है, वो बेसन इसमें ऐड करेंगे और साथ में मैं यहाँ पर थोड़ी सी मेथी भी ऐड कर रही हूँ और ये बेसन भी इसमें ऐड करेंगे। मैंने बेसन में थोड़ी सी मेथी ऐड की है, वो इसके फ्लेवर के लिए ऐड की है। लेकिन आपको और मेथी ऐसे बचा के रखनी है, पूरी नहीं ऐड करनी है, बस थोड़ी सी ऐड करनी है। और इसे ऐसे फेंट लेंगे वापस से, बेसन को इस छाछ में मिक्स करेंगे। थोड़े से भी लम्स नहीं होने चाहिए। नीचे से गैस ऑन करके मैंने यहाँ पर एक बर्तन लिया है और इसमें थोड़ा सा नाम मात्र का ही तेल अपन ऐड करेंगे। आप चाहो तो घी भी ऐड कर सकते हो, थोड़ा सा और ऐड कर लेते हैं बस। और ये जो रेसिपी बना रहे हैं वो 6 लोगों के लिए अपन बना रहे हैं। और जैसे ये गर्म हो गया, इसमें अपन जीरा डालेंगे, राई डालेंगे और ये जो मेथी है वो इसमें ऐड कर देंगे। ऐड कर देने के बाद इसमें रेड चिली पाउडर डालेंगे और एक चम्मच अपन ऐड करेंगे टर्मरिक पाउडर। मैं यहाँ पर टेबल स्पून ले रही हूँ, छोटी वाली चम्मच नहीं ले रही हूँ। छोटी वाली चम्मच लो तो आपको 2 चम्मच ऐड करनी है। और इस सारे मसाले को मिक्स करके पकाएंगे और थोड़ा सा पक जाने के बाद ऊपर से ये धनिया, साबुत धनिया, आप जो अपन ने जीरा वगैरह ऐड किया है उस टाइम भी अपन ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए, मैंने इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया, थोड़े से भी लम्स नहीं है। ऐसा आपको घोल तैयार करना है बेसन का छाछ में डालकर। अगर आपके पास छाछ ना हो तो आप पानी में ये घोल बना लीजिएगा और थोड़ा सा अमचूर पाउडर ऐड कर लीजिएगा। थोड़ी सी खटाई जब बोलेगी ना इस रेसिपी में तो ही ये ज़्यादा टेस्टी लगेगी। जब ये मसाला पकेगा तब अपन ये घोल बेसन का इसमें ऐड कर देंगे। लेकिन आपको एक बात ध्यान में रखना है, बेसन का घोल ऐड कर देने के बाद आपको ऐसे कंटिन्यू स्टायर करते रहना है। और ये देखिए, मुझे इसकी गाढ़ी कंटेंस ही लग रही है क्योंकि ये गाढ़ी गाढ़ी होने स्टार्ट हो गई है, तो इसमें अपन और पानी ऐड करेंगे। अपन ने बेसन ऐड किया है तो इसलिए ये गाढ़ी कंटेंसी का हो जाता है, इसलिए अपन इसमें पानी ऐड करेंगे और फिर पकाएंगे धीरे धीरे इसे। और ऐसे कंटिन्यू स्टार करते ही पकाना है, वरना ऐसे गुठलियाँ बन जाएगी या छाछ फट जाएगी। इसलिए मैं आपको बाद में दे रही हूँ, ऐसे अपन स्टार करते हुए। और जैसे आपको ऐसे लगे कि हाँ बेसन बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो गया है तो आप और थोड़ा सा पानी ऐड कर लीजिए, क्योंकि अपन को ये वाली कंटेंसी रखनी है, ये थिक, इतनी थिक अपन ये रखेंगे। आप बेसन की जगह आटा भी ले सकते हो इसमें, अगर आपके पास बेसन ना हो। लेकिन मैदा वगैरह नहीं लेनी है, मैदा से ही अच्छी नहीं लगेगी। और इसे कंटिन्यू स्टार करते हुए इसमें एक चम्मच अपन नमक ऐड करेंगे और नमक को भी मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे ये उबाल आकर ऐसे पकेगी और ये हल्की, जितनी ज़्यादा ये पक जाएगी ना उतना आपको, जब आप ऐसे चमचा उठाएंगे ना तो चमचा आपको बिल्कुल हल्का हल्का लगेगा। और अब ऐसे करके इसे और पकाएंगे थोड़ा, और ये जो झाग दिख रहे हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे, तब अपन सोच लेंगे कि अपनी ये पक चुकी है। और ये देखिए अपनी ये पक चुकी है। अब ऊपर से अपन लहसुन ऐड करेंगे और थोड़ा सा लहसुन को पकाएंगे। अब ये देखिए खुशबू आने लग गई है लहसुन की, लहसुन पक चुका है। अब अपन गैस बंद कर देंगे और ये लीजिए अपनी टेस्टी सी करी बनकर तैयार हो चुकी है ये मेथी की। बहुत कम मेथी में अपन ये इतनी ज़्यादा 6 लोगों के लिए करी बना चुके हैं यहाँ पर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा।